तो फिलहाल गाइस ये देखो अभी कुछ आ चुका है, ये आपका छोले, ये छोले हो गए, ये आलू की सब्जी है, और अभी आलू की सब्जी, ये आ गया कांदा, ये आ गया कांदा, ये मिर्ची वाली अचार, ये मिर्ची वाली अचार हो गए। तो फिलहाल गाइस अभी आ चुके हैं, कुछ भैया लोग से मिले हैं, और अभी यार इधर देखिए कुछ क्या है भाई, ये लेमन जूस। तो अभी एक भाई इधर बैठे हैं, हेलो भाई, हाय, क्या नाम है आपका? आप किधर से हैं भैया? वैसे पुराने समय में वो लड़ाई या हमला होता था, कोई आक्रमण होता था, तो उसको हम देख रहे गोल गोल, जैसे पुराने दिन लड़ाई के समय ये पत्थर ऊपर से नीचे फूट। हेयर गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनादर ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल गाइज का दिन है जो रुका था मैं एक गुरुद्वारे पे, तो कल जो चार्ज लगा था कुछ 100 रुपये के आसपास यहाँ का चार्ज लगा था, और फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ जैसलमेर, एकदम बढ़िया से अपने धनों को रेडी कर लिया, पानी में बटल वटल भर लिया, और जस्ट अभी साइड में मुझे निकलना है। तो फिलहाल ये देखो पूरा नज़ारा एकदम बढ़िया है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं फोर्ट की तरफ, तो बने रहे ब्लॉग में। ओके, तो हे यार गाइस, जस्ट अभी आ चुका था एक दुकान पे, और वहाँ पे क्या है नाश्ते के लिए कुछ सोचा कि कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। तो यहाँ पे एक नाश्ते की दुकान है जस्ट, और अभी यहीं पे जैसलमेर में हूँ। एक भाई हैं, हेलो भाई, क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। आज भाई अभी मैंने छोला और जस्ट भटूरे चावल कुछ लगवा रहा हूँ, उसके बाद खाने के बाद ना फिर से एक बार अभी चलेंगे हम लोग किले की तरफ। तो ये कुछ नज़ारा है पूरे चौराहे का भाई, देखो एकदम बढ़िया सा। तो अभी जस्ट अपने धनों को भी साइड में खड़ा कर दिया है, और फिर बने रहे ब्लॉग में, खाते पीते उसके बाद चलते हैं आगे। तो फिलहाल गाइस ये देखो अभी कुछ आ चुका है, ये छोले हो गए, आलू की सब्जी है, और अभी आलू की सब्जी, ये आ गया खाना, मिर्ची वाली अचार, ये मिर्ची वाली अचार हो गए भाई, ओके, ये मिक्स वेज अचार है, थोड़ा सा मसाला, वाह भाई, ये देखिए अभी इसके ऊपर हो गया मसाला, और अभी हमारा जो है ना, ओके, तो अभी आ चुका है भाई भटूरे। तो पूरी थाली एकदम ना अभी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखो कुछ एकदम बढ़िया से। अभी भाई के बारे में मैं सारा कुछ बता दूंगा, अगर आप आना चाहते हैं इधर तो खाने के लिए भाई से संपर्क कर सकते हैं। अभी देखिए आ चुका है खाना, और खाने में देखिए मैंने आपको सारा कुछ दिखाई दिया, तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। ये देखिए कुछ एकदम बढ़िया सा दिखता है, क्या ही बताऊं, और इधर जैसे ही देखेंगे जैसलमेर दुर्ग करके लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग फाइनली चलते हैं अंदर, तो अंदर जैसे ही आएंगे यहाँ पे एक बड़ा सा गेट आपको देखने को मिलेगा जो कि लकड़ी का है, और बीच में ना इसमें भाई क्या वजन, मतलब इसकी जो वजन है ना काफी ज्यादा, मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, बट इसमें काफी वजन है। दरवाजे से अंदर चलते हुए अभी ये देखो पूरा नजारा है एक बार पूरे गेट का, तो अभी ऐसा कुछ दिखता है, और जैसे ही हम लोग ये आए हम लोग अंदर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ दुकानें देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब पूरे राजस्थानी कल्चर में। इधर देखेंगे तो इधर ये बैग की दुकान है, हेलो भैया, हाय, क्या नाम है? भाई का नाम लोकेश, और जैसे देखो ना भाई की दुकान एकदम बढ़िया है, यहाँ पे बैग देखेंगे ना तो यार काफ़ी बढ़िया वैरायटी के देखने को मिल रहे हैं। और के बाद जैसे ही अंदर आएंगे तो एक आपको छोटा सा और गेट मिलेगा, मतलब छोटा नहीं सही बड़ा ही होता है, बट ये कुछ गेट है, इसका नज़ारा देखेंगे तो ये देखो पूरा जस्ट कैसा दिख रहा है, और गेट के जस्ट कुछ साइड में देखेंगे तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा फोर्ट का, और
दीवार की बात करूँ ना तो कुछ यार काफी ज्यादा मतलब इतना पूरे पत्थर की बनी हुई कि मतलब क्या ही बताऊं कि भी टूटने का कोई कुछ है ही नहीं यार, इतना ज्यादा मजबूत है। तो गेट के सेकंड गेट के पास आएंगे तो वहां भी देखेंगे आपको कि लकड़ी के दरवाजे मिलेंगे, और ऐसा मैंने कई जगहों पे देखा है भाई, और पूरा ही लकड़ी का दरवाजा, ये देखो पूरा एकदम कील जैसा बना हुआ है, अगर इस पे कोई फोर्स भी कुछ करता है किसी चीज से तो वो टूट जाएगा ना कि ये दरवाजा टूटेगा। तो ये देखो पूरा नजारा एकदम बढ़िया। सेकेंड गेट की तरफ आने के बाद अभी एंटर कर चुके हैं, और गेट के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको इधर को साइड में दिख जाएगी यहाँ पे रेलिंग की जो कि लोहे की है, और उसके बाद इधर साइड में देखेंगे ना तो साइड में देखेंगे तो आपको कुछ दरवाजे देखने को मिलेंगे जो कि लकड़ी के दरवाजे हैं, और ये देखिए कुछ सामने देख रहे हैं 1 2 3 4 5 दरवाजे कुछ ऐसे देखने को मिले, ये किस लिए ये मुझे तो नहीं मालूम, बट अभी ना ये 5 दरवाजे कुछ देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बने रहे ब्लॉग में। दरवाजों के पास से आगे आएंगे ना तो वैसे ही एक और बड़ा सा गेट मिलेगा जो कि गेट नंबर 3, यानी फर्स्ट गेट के बाद 2 गेट हो जाएंगे फिर दूसरा गेट। तो ये कुछ नजारा ये दूसरे गेट का है, और जस्ट काफी ज्यादा ढाल है भाई, बाइक भी जा रही है इधर से, तो अभी आगे भी चलते हैं, आगे भी देखते हैं। बढ़िया सर, ओके सर, ओके। भाई साहब है हमारे जो अभी अपनी दुकान लगा रहे हैं। हेलो भैया, हाय, क्या नाम है आपका? लक्ष्य। ओके, आप यही से हैं? ओ सॉरी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैसे ये है क्या, ये इसको बोलते क्या है? बोलते टेबल, और किस काम में आता है ये? टेबल पे लगाने के लिए। अच्छा, टेबल पे लगाने के लिए। तो भाई टेबल पे लगाने के लिए अगर आप आते हैं ना तो अंदर भी आपको ऐसी शॉप मिल जाएगी, यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है भाई एकदम बढ़िया था, ये देखो। तो ठीक है। तो फिलहाल गाइस 3 गेट क्रॉस करने के बाद ना एक गेट फिर से हमें क्रॉस करना है और अंदर चलना है। तो ये देखो सामने से कुछ, ये गेट जो है ना काफी बड़ा है, इसके ऊपर जो देखेंगे ना काफी बड़ी बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग बनी हुई है, और इस खिड़की की क्या ही बात बताऊं मैं, कितनी बढ़िया बनाई गई है यार, मतलब आएंगे आप ना तो कभी देखिएगा, इतना बढ़िया है। हालांकि मैं अभी चल के आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊंगा, बट यार देखो ना सामने से क्या ही बढ़िया नजारा देखने को मिल रहा है। और इधर एक अंकल जी हैं। हेलो अंकल जी, हाय, क्या नाम है सर आपका? ओके, आप यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी। ओके, काफी कितने दिन हो गए आपको काम करते हैं यहाँ पे? मेरे को हो गए 35 साल। 35 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी बढ़िया लगा मुझे देखने के बाद। आ चुके हैं कुछ भैया लोग से मिले हैं, और अभी यार इधर देखिए कुछ क्या है भाई, ये लेमन जूस। तो अभी एक भाई इधर बैठे हैं। हेलो भाई, हाय, क्या नाम है आपका? आपका किधर से है भैया? महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र से हैं, देखिए क्या बढ़िया लोकेशन पे बैठ के बढ़िया पिक्चर शूट कर रहे हैं। और इधर एक भाई हैं। हेलो भाई, हाय, हाय, कैसे हो? बढ़िया है सर, क्या नाम है आपका? नितिन। ओके, किधर से हैं? यूपी बुलंद शहर, जॉब करता हूं जैसलमेर। ओके, तो भाई यूपी से हैं, तो मैं भी यूपी से हूं फिलहाल भाई। और इधर एक भैया मिले। हेलो भाई, हाय, क्या नाम है आपका? यूपी मास। यूपी? यूपी मास। यूपी मास, किधर से आप हैं? मुंबई। ओके, तो भैया जो है ना मुंबई से हैं, और फिलहाल मैं तो यूपी से हूँ। तो अभी भैया ने अपनी जूस अपनी तरफ से पिलाया भाई, कुछ एकदम ठंडा, और जस्ट देखो ना चारों तरफ से नजारा क्या ही बढ़िया है। तो अभी कुछ टाइम भैया लोग के साथ बिताते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे, तो बने रहे ब्लॉग में। साथ एक सर जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी है। ओके, तो अपन ये मंदिर देख रहे हैं, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, 750 वर्ष पुराना है जी। ये अंदर जाके दर्शन करके आ जाओ आप अंदर। ओके ओके, तो ठीक है, अभी ये भाई है हमारे, तो हम लोग साथ में चलते हैं दर्शन करके आते हैं अंदर। फिलहाल गाइस ये मंदिर की सीढ़ियों से हम लोग जस्ट ऊपर चल रहे थे, और जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे ना तो क्या बढ़िया नक्काशीदार यहाँ पे देखिए बनाया गया है, एकदम बढ़िया, और पूरा मशीन का कारीगरी है, हाथों की नहीं है बट फिर भी काफी बढ़िया। अभी आ चुके हैं मंदिर के अंदर, तो अभी काफी सारे लोग आए हुए हैं इधर, आगे चलते हैं, मंदिर का गेट जस्ट उधर साइड में है भाई। तो अभी यहाँ पे है कुछ बजाने का, तो मैंने बजा दिया घंटा, और जस्ट साइड सामने देखेंगे ना तो ये मंदिर है कुछ। तो फिलहाल गाइस अभी मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और क्या ही बढ़िया नज़ारा, मतलब एकदम मस्त, देखो चारों तरफ से देखेंगे ना तो काफ़ी बढ़िया मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है, और इधर पुजारी जी हैं, ये बैठे हैं। जैसे पुराने समय में वो लड़ाई या हमला होता था, जैसे पुराने टाइम लड़ाई के समय ये पत्थर ऊपर से नीचे पुश करते हैं लड़ाई में जी, सजावट के लिए। ओके, तो अभी गाइस जो देख रहे हैं इधर आप देखेंगे पत्थर जो देखने को मिल रहे हैं, तो
तो जब आक्रमण हुआ करता था तो उसको ऊपर से किले के नीचे फेंका जाता था जिससे कि मतलब सेना भाग जाए। हालांकि अभी जो है ना वो सिर्फ एक सजावट के लिए देखने के लिए इस पे रखा गया है, तो ऐसा कुछ अभी भैया ने बताया हमें जो गाइड है, तो ऐसा कुछ देखने के लिए बने रहे। अभी आगे भी कुछ चीजें हैं वो जगह चल के देखेंगे आगे। तो अभी का इस किले से निकल के ना मैं चल रहा हूँ तनोट माता मंदिर की तरफ, जिधर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को भारत ने पूरा धूल में मिला दिया था भाई। तो अभी मैं उधर निकल चुका हूँ, ये देखो पूरा रास्ता एकदम बढ़िया। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहे, चल रहा है भाई आगे। फिलहाल गाइस अभी 35 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ना भाई एक गांव मिला, जो देखिए इधर सोनू नामक एक गांव है और वहां पे थोड़े बहुत जो मंदिर वगैरह है थोड़ा देखते हैं यार पानी वानी मिलता है कि नहीं। अभी वहां पे जैसे गाइस अभी आ चुके थे एक स्थान पे और ज्यादा प्यास लगने के कारण अभी बैठ चुका था यहां पे और अभी पानी वानी पी के थोड़ा टाइम पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं अपने राइड को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैंने दोनों को साइड में खड़ा कर दिया और कुछ इधर मैं बैठा हूं, तो फिलहाल मुझे जो चलना है कुछ इस साइड में। तो ठीक है गाइस ब्लॉग में बने रहे, अभी चलते हैं आगे। फिलहाल गाइस अभी आ चुका हूं मैं रामगढ़, जो कि जैसलमेर के आगे पड़ता है, रामगढ़ तनौट से बीच में, और तनौट यहाँ से जो दूरी है ना तनौट की वो 65 किलोमीटर है। रामगढ़ देखे कितना बढ़िया है, लेकिन रामगढ़ आते आते ना हालत खराब हो गई। अगर साइड में देखें पूरा लाइट की बढ़िया व्यवस्था की गई है और अभी चलते हैं भाई, यहाँ पे रामगढ़ में ही रुकना है आज, देखते हैं कौन सा प्लेस मिलता है बढ़िया और वहाँ पे रुकते हैं, फिर मॉर्निंग टाइम में फिर से निकलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यार गाइस जस्ट अभी आ चुके थे ढाबे के पास और यार यहाँ पे भैया से बात किए ना तो बोले ठीक है यार रुक सकते हैं। और ये भैया है, हेलो भैया है, क्या नाम है? संदर। ओके, भाई का नाम संदर। ओके, आपका नाम भैया? मेहरूलाल। और आपका दादाजी? जी आपका? ओके, अभी जस्ट एक भैया इधर बैठे हैं, आपका नाम क्या है? मोटारा। ओके, तो अभी कुछ ये देखिए मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अधिकतर लोग ना अपने नाम के पीछे राम लगाते हैं और अच्छा भी है भाई, राम नाम लगाना कितने बढ़िया कितनी गौरव की बात है। तो जस्ट मैंने धनो को साइड में खड़ा किया, ये पूरे होटल का नजारा है, तो जस्ट आज मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ भाई। और यहाँ पे जो गांव था ना वो गांव का नाम क्या है? रामगढ़ से मैं 4 किलोमीटर की दूरी पे पहले रुक चुका, उसका रीजन क्या था ना भाई, सिटी के अंदर जाने से ज्यादा काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए ना बाहर रुक गया। बाहर का ही नजारा ही देखो ना यार, क्या ही बढ़िया, पूरा खाली मॉल एकदम बढ़िया सा। तो ठीक है अभी रुकते हैं, बने रहे ब्लॉग में आगे। जस्ट अभी बैठ के यहाँ पे नमकीन वगैरह खा रहे थे और इधर एक भाई मिले और देखिए ना अभी स्ट्रिंग वगैरह पिला रहे हैं, भाई भी पी रहे हैं, पीने के लिए आए थे जस्ट इधर, तो भाई लोग भी लेके स्ट्रिंग आए थे, बट मैं मुझे यहाँ पे देखने के बाद ना भाई लोग ने मेरे लिए भी ऑर्डर किया। तो हेलो भाई, क्या नाम है आपका? दिलीप। तो भाई का नाम दिलीप, किधर से हैं आप? हम यहीं से रामगढ़ से। अच्छा, रामगढ़ से ही हैं। और भाई आपका नाम क्या है? छगन। इधर से आप भी हैं? तो अभी भाई कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, तो ठीक है गाइस अभी बने रहे ब्लॉग में, आगे चलते हैं। अभी आ चुके हैं पास में और देखिए भाई कितना मतलब बड़ा है और कितना ज्यादा ऊंचा है, इसके कारण से ही ना वहाँ पे जो टावर लगाए मतलब यहाँ पे जो टावर लगाया इसी के कारण से ओकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता था फौजियों द्वारा। भाई देखो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है ना कुछ इसके कारण से वहाँ पे बात कर पाती है। और भाई इसकी देखिए मतलब आप कैमरे में थोड़ा सा ये मोटाई में कम लग रहा है, हाइट भी काफी कम लग रही है, बट आप समझ पा रहे हैं मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ उसके बाद भी। अभी देखो अभी ये जो बाटी है ना, क्या बात है भाई, एकदम लग रही है अभी इसको, मुझे पूरा एकदम मसलना है। और दाल है अभी भाई, क्या बात है, मतलब एकदम फुल एंजॉय चल रहा है अभी। अभी राजस्थान स्टाइल में विदाउट चम्मच हाथों से अपने मिलाना है इसको और उसके बाद खाना है, तो आप लोग भी आ जाइए। तो गाइस बने रहे।